अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल किचन विद बुशरा। क्या हाल चाल है, कैसी हैं? उम्मीद करती हूँ कि सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और मैंने आज बनाई है सर्दियों की मज़ेदार शेर यम्मी सी, बड़ों के लिए और छोटों के लिए छोटी सी कैंडी, और वो भी खजूर की। चले जी, चलते हैं रेसिपी की तरफ। यहाँ पर मैंने हाफ के जी खजूर ले लिए हैं और कुछ ड्राई फ्रूट ले लिए हैं, और खजूर के अंदर से वो जो इसकी खजूर के अंदर से जो बीज होता है उसको निकाल देना है, और सारी खजूरें जो हैं इसको रिमूव कर देनी है इसको। और इस तरह मैंने सारे बीज खजूर में से निकाल लेने हैं, और खजूर को हमेशा नरम वाली लेने हैं। और अब मैंने खजूर को कर लिया सारा, और साथ ही मेरे ड्राई फ्रूट भी हैं। ड्राई फ्रूट आपके पास जो भी अवेलेबल हैं वो कर सकते हैं। और अब मैं इसको खजूर को मैश कर लूँगी। थोड़े से मैंने खजूर भी ऐड कर दिए थे, और बीच में थोड़ा सा ड्राई फ्रूट भी ऐड कर दिया था। और जो बच्चे आपके खजूर वगैरह नहीं खाते, तो मैंने अपने बच्चे के लिए सर्दियों के लिए ये बनाया है। वो ना खजूर खाता है ना कुछ और, तो सब बच्चे चॉकलेट शौक से खाते हैं, तो ये रेसिपी बच्चों के लिए बहुत मज़ेदार है। और अब मैं जो खजूर है इसको मैश कर रही हूँ। यहाँ ये देखें जी, मैश हो चुकी है इस तरह अच्छी तरह। चॉकलेट सभी बच्चे शौक से खाते हैं, तो इस तरह उनको चॉकलेट कैंडी वगैरह बना कर दें। तो इस तरह मैंने हाथ को ऑयल की मदद से ग्रीस कर लिया था, और कैंडी की शेप दे देंगे इस तरह। कैंडी की शेप देनी है, और इस तरह बच्चे इसके ऊपर चॉकलेट लगाएंगे तो बहुत बच्चे शौक से खाएंगे, क्योंकि सर्दियों का मौसम है तो बच्चे कोई चीज़ खाते नहीं हैं, तो इसी तरह उनको कुछ अलग अलग और डिफरेंट डिफरेंट बना के दे तो खाएं। अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरे हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक आसानी पहुँच सके। और यहाँ पर मैंने जो है इसमें कुछ मैं ऐड कर दिया था बादाम, और कुछ में काजू। बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी से जब हमारे बन जाएंगे ये डेट्स, तो बहुत मज़े की लगेंगे। यहाँ पर मेरी सारी डेट्स हो चुकी हैं रेडी, कोकोनट, और अब है ये मेरे पास कोकोनट क्रश हुई है वह, और यहाँ पर है मेरे पास दो चॉकलेट, और ब्राउन चॉकलेट और वाइट चॉकलेट। और यहाँ पर मैंने चॉकलेट मेल्ट कर लिए, और इसके अंदर इस तरह टिप करके तो हमने इसको डेट्स को निकाल देने, इस तरह मैंने निकाल दिए, और निकाल कर साइड पर रखते जाएं, ताकि इस तरह सारी डेट्स जो हैं उसके ऊपर चॉकलेट लग जाए, तो बच्चे जो हैं वो चॉकलेट बहुत शौक से खाएंगे, और उनको पता भी नहीं चलेगा चॉकलेट है या खजूर है। हेल्थी होगी बहुत बच्चों के लिए। और यहाँ पर मैंने सारी चॉकलेट लगा दी, और इसके ऊपर मैंने लगा दिया वाइट चॉकलेट, और थोड़े से मैंने रख दिए थे इसके ऊपर, मैंने लगा दिया था कोकोनट। उम्मीद है कि आज की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और मेरी वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। अब हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय फॉर वॉचिंग।